नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप में टीम इंडिया ने अपना दूसरा मुकाबला नीदरलैंड को भी हरा दिया। शानदार तरीके से टीम इंडिया ने एक बड़े मार्जिन से नीदरलैंड को हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार स्कोर बनाया, उसके बाद में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करके नीदरलैंड के बल्लेबाजों को जल्दी समेट दिया और ये जीत हासिल करी। अब दो जीत के साथ टीम इंडिया की 4 पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन इस जीत के हीरो मैं आपको बताऊंगा किन 5 खिलाड़ियों के दम पर टीम इंडिया ने मैच जीता। सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा कप्तान, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। ओपनर के तौर पर आज केएल राहुल आउट हो गए थे तो रोहित शर्मा ने तेज तर्रार शुरुआत देने में मदद दिलाई और बेहतर बल्लेबाजी की, अर्धशतक लगाया, तो रोहित शर्मा पहले हीरो। दूसरे हीरो के तौर पर मैं रखना चाहूंगा सूर्य कुमार यादव। जी हां, सूर्य कुमार यादव को मैं आज विराट कोहली से ऊपर रखना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने आज बेहतर तेज तर्रार रफ्तार वाली पारी खेली और जिस आउट ऑफ टच में वो पाकिस्तान के खिलाफ नजर आ रहे थे, आज उन्होंने बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करके अर्धशतक लगाया, बेहतर तरीके से फिनिश किया, छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो दूसरे हीरो के तौर पर सूर्य कुमार यादव। तीसरे हीरो के तौर पर विराट कोहली, जाहिर तौर पर लगातार 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था, अब नीदरलैंड के खिलाफ भी लगा चुके हैं, तो 2 अर्धशतक के साथ आज विराट कोहली भी मेरी जीत के तीसरे हीरो के तौर पर रहेंगे। चौथा और पांचवा हीरो चुनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने लगभग मिली जुली गेंदबाजी की, लेकिन उसके बावजूद मैं चौथा हीरो रखना चाहूंगा भुवनेश्वर कुमार को। भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में महज 9 रन और 2 बड़े विकेट हासिल किए, तो जाहिर तौर पर इकोनॉमी बहुत शानदार भुवनेश्वर की रही और शानदार गेंदबाजी करके विकेट भी चटकाए, तो भुवनेश्वर कुमार मेरे चौथे हीरो के तौर पर रहेंगे। पांचवें हीरो के तौर पर मैं रखना चाहूंगा अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी करके बहुत शानदार इकोनॉमी के साथ 2 विकेट चटकाए। हालांकि अश्विन ने भी 2 विकेट लिया, अश्विन को भी हम रख सकते हैं। अर्शदीप सिंह ने भी 2 विकेट चटकाए, अर्शदीप सिंह को भी हम रख सकते हैं। कुल मिलाकर मिलीजुली गेंदबाजी सारे गेंदबाजों ने की। मोहम्मद शमी ने भी 1 विकेट लिया, लेकिन जाहिर तौर पर टीम इंडिया की आज बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बड़ी शानदार रही, कमाल की रही। अब अपने ग्रुप में पॉइंट टेबल में टीम इंडिया टॉप पर पहुंच गई है। 4 पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया अब नंबर 1 पायदान पर काबिज है। तो टीम इंडिया की इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन हीरो को आप किस तरीके से देखते हैं आप अपने हीरो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।